एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आज फिर मैं निकल गई हूँ और शुरुआत कर रही हूँ हावड़ा ब्रिज से। तो मन तो नहीं था बिल्कुल भी सच में कि बाहर जाऊँ, घर का ही वीडियो दूँ, कुछ अच्छे अच्छे रेसिपी बनाऊँ और आप लोगों के साथ शेयर करूँ। बट ये जो रेस्टोरेंट है ना, जस्ट मेरे घर के पास ही है और जो वहाँ पर खान पान है वो मुझे ज़्यादा पसंद है, तो इसीलिए मैं जा रही हूँ। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। और तो चलिए बने रहिए। फाइनली देखिए, बहुत जल्दी पहुंच गए अपने लोकेशन पे, क्योंकि ज़्यादा दूर है नहीं, जस्ट हम लोग घर से कुछ ही दूर पे है ये, देख सकते हैं। तो चलिए आ तो गए, अंदर दिखाते हैं आप लोगों अच्छी तरीके से। फाइनली आ गए हैं रेस्टोरेंट के अंदर और ये भी छोटा सा बहुत ही प्यारा लग रहा है, मैं आपको अच्छे से दिखा दूँगी। तो फिलहाल अभी आ गया है मेन्यू, हम लोग देखते हैं क्या लेते हैं क्या नहीं, तो दिखाते हैं आप लोग को। फाइनली यहाँ का ये मेन्यू है, देखिए छोटा सा, अभी लग रहा है न्यू ओपन हुआ है क्या, जो भी हो। तो हम लोग ये ट्राई करने वाला है, कोलकाता भेट की स्पेशल डायमंड मसाला, जो भी वीडियो में देख के ही मन किया। तो देखते हैं ये ऑर्डर करते हैं और क्या करते हैं क्या नहीं, बने रहिए दिखाएंगे ही। तो फिलहाल ये मेन्यू है, अच्छे से आप लोग देख सकते हैं, बहुत आइटम है, सिर्फ फिश का ही दिख रहा आइटम यहाँ पर, देख सकते हैं। फाइनली पीछे यहाँ पे देखिए कॉम्बो में भी है, यहाँ पे तो फाइनली हम लोगों ने ऑर्डर दे दिया। जब तक मेरा ऑर्डर आता है मैं अच्छे से आप लोगों को रेस्टोरेंट दिखा देती हूँ, क्योंकि जब मैं आई ना तो फैमिली बैठे हुए थे, मैं वीडियो अच्छे से नहीं कर पाई, तो मैं अभी करती हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं फिश का ही आइटम मिल रहा था, वो भी बहुत ही रिजनेबल प्राइस में, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि देखिए फिश का दाम होता है बट यहाँ पे नहीं। और यहाँ पे चल रहा है कॉम्बो, ये भी मैंने ऑर्डर किया है तो मैं दिखाऊंगी। तो यहाँ पे देखिए प्राइस बहुत अच्छा, तो मैं एड्रेस ना अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप लोग चेक कर लेना, अगर आसपास हो तो प्लीज़ एक बार यहाँ ज़रूर जाना, क्योंकि मुझे यहाँ का फिश का जो आइटम है बहुत अच्छा लगा। एक ही ट्राई किया मैंने, इसी से अच्छा है। हमारे मतलब बगल में जो फैमिली लोग बैठे थे वो लोग भी खा रहे थे, बहुत तारीफ़ किए जा रहे थे, तो इससे मुझे पता चल रहा है ना कि बहुत अच्छा ही होगा फिश का हर एक आइटम। यहाँ पे देख लीजिए, हम लोगों ने दो आइटम खाया, दोनों मुझे बहुत अच्छा लगा। तो यहाँ देख सकते हैं हमारा टैक्सी, जो कि कोलकाता का फेमस है, और यहाँ पे बहुत खूबसूरत, और ये कांच, वाह, जहाँ देखो मैं ही दिख रही थी। तो यहाँ पे देखिए हम लोग का ऑर्डर आ चुका था, तो रोशन जी अपना शॉर्ट वीडियो बना रहे थे, तो यहाँ पे आते हैं। तो चलिए खाते हैं और बताते हैं आप लोगों को। देखिए कितना बड़ा, इतना बड़ा तो मैं खा नहीं पाऊँगी, चलिए जितना खाएंगे उसके बाद पैक करवा लेंगे। तो यहाँ पे देखिए पूरा जूसी था, पूरा बहुत ज़्यादा और बहुत बड़ा, अंदर में जो फेस था उफ यम्मी, क्या ही मैं बोलूँ, देख सकते हैं काफ़ी अच्छा लग रहा है। देखिए पूरा फीस भरती, मतलब पूरा ही फीस भरा हुआ है, वाह। तो चलिए ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अब एडिट करते समय मेरे मुंह में पानी आ रहा है, देखिए वाह। उसके ऊपर में जो अंडा से पेपर बनाते हैं ना, वो भी काफ़ी अच्छा लगता है खाने में पूरा। तो चलिए खा लेते हैं, फिर जो ऑर्डर आएगा दिखाएंगे। तो देखिए बात करते करते ये भी ऑर्डर आ गया, जो कि भाई साहब खांसते खांसते जो हाल हुआ था, जो लेके आए भैया उनका भी और मेरा तो हो ही रहा था। और लोहा इतना गर्म था ना, वो उस पे से जैसे लग रहा था तुरंत ही आँख से निकाल के दे दिए हैं। देखिए मेरे को खांसते खांसते हाल, क्या ही बोलो यार, बहुत खांसी आ रही है। अभी तक इसमें से धुआं निकल ही रहा है, मतलब नीचे क्या है, लोहा है ना ये नीचे वाला, तभी ना ये हाल है, वही तो गर्म भी है इस नीचे का, ये जो लोहा बहुत गर्म है भाई, और जो खांसी आ ही रहा है। कुछ टू ऑनियन दिया हुआ है, जो भी है देखने में तो बहुत यम्मी लग रहा है। एंजल का याद आ रहा है, एंजल ये सेंजर वगैरह बहुत ज़्यादा खाती है। तो चलिए खा के दिखाते हैं। वैसे तो ये भेट की फातुरी जो था ना, गोल्डन, मस्त लग रहा, बहुत ही ज़्यादा, नहीं आर्यन नहीं खाता है, तो जो भी है देखेंगे कुछ अगर
अच्छा हो तो भैया के लिए पैक करवा लेंगे। मस्त लग रहा है ना गोल्डन वाला। हाँ ठीक है, तो एक ले लेंगे आर्यन के पापा के लिए, जो आर्यन तो खाता नहीं, बस उसका एक ही डिमांड होता है आलू बिरयानी का, तो देखेंगे ज़्यादा समय खुला हुआ तो उसके लिए लेंगे। फिलहाल चलिए वो पहले फिनिश, इतना ज़्यादा ही हो गया है, दोनों को फिनिश करते हैं पहले और बताते हैं इसका स्वाद। इसका तो ऑलरेडी मैंने बता दिया आपको, कैसा लगा ये फिश वाला, मस्त है ना भाई। ये ज़्यादा वाली है हाँ। उसमें नहीं खा पा रहा है, ठंडा में ये अच्छा नहीं लग रहा, अच्छा लग रहा है। क्या करेंगे इसको, तवा पे ना गरम कर देंगे घर पे, फिर अच्छा लग रहा है। कर दो खाए तो अभी आराम से नीचे का गर्म है ना, नीचे बहुत गर्म है, इसलिए तो बाहर हमें और नहीं खा पाता है, गर्म ही होगा फूके। बहुत गर्म है वाले। टेस्ट कर लिया, दोनों ही काफ़ी अच्छा है। ठंडा होने के बाद ना ये चीज़ हो जाना बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, बट ये अंदर वाला फीस बहुत अच्छा लग रहा है, ये भी कमाल का है। बट हम लोग ये पैक करा ले रहे हैं क्योंकि एक जगह और हम लोग को जाना है, तो ये घर में अच्छे से भी जाके खा सकते हैं ना दोनों ही, लेकिन अच्छा लगा, मस्त है भाई। हाँ तो ये इतना है जो पैक करा लेते हैं, और वाटर बोतल भी लिया है मैंने, तो पानी पी लेते हैं, देखते हैं फाइनल बिल कितना हुआ। हाँ बिल दिखाते हैं आप लोगों को, और यहाँ पे दिखा दीजिए भी ये, और ये भी हम लोगों ने लिया था, देख सकते हैं व्यू वन एक कोलकाता वेट की, कोलकाता वेट की हाँ, 275 का जो है, जो उसके साथ दो ओनियन रिंग है फ्री, जो ये वाला है, बट इसमें ऑनियन नहीं है, क्रश करके हाँ जो भी होगा। तो ये देख सकते हैं यही हम लोगों ने लिया था, और एक ये, तो चलिए इसे पैक करा लेते हैं फिर बिल दिखाते हैं आप लोगों को। निकल चुके हैं हम लोग यहाँ से, अब जा रहे हैं एक और लोकेशन पे, क्योंकि थोड़ा सामने ये तो सोच रहा है सूट करी से, देख सकते हैं दुकान का नाम, काफ़ी अच्छा लगा यार फिर थोड़ा थोड़ा ट्राई किए मस्त लगा, और पैक तो करवा ही लिए और यहाँ पर रख दिए हैं पैक करवा के, देख सकते हैं चलिए चलते हैं। तो फाइनली वहाँ से तो निकल चुके हैं पैक वगैरह करा के, घर लेके जाएंगे, उनको आर्यन तो खा रहे नहीं बट आर्यन के पापा को देंगे, और आर्यन के लिए कुछ भेज देखेंगे क्या खाया क्या नहीं, उसे पूछ लेंगे, उसके बाद उसके लिए ले लेंगे। उसे तो ज़्यादातर आलू बिरयानी ही चाहिए क्योंकि उसे वही पसंद आता है और कुछ भी नहीं। तो फिलहाल चलिए जो सामने है लोकेशन वहाँ पर जाते हैं, हमने वीडियो देखा था, मैं सोची चलिए सामने पर चलते हैं, और यहाँ पर देखिए हम लोग ट्रैफिक में फंसे हैं यार। फिलहाल यार स्लान का देखते ही ना मेरे को टेंटा का ही याद आता है, क्या आएगी तो हम लोग संडे ही गए थे यहाँ पे, फिर आएगी तो फिर जाएंगे और स्लान में जाके दादा बोली चलेंगे इस बार, तो स्लान का ही बिरयानी अच्छा था, दादा बोली का तो और भी अच्छा। तो चले चलते हैं, बकबक नहीं करते हैं, पहुँचते हैं अपने लोकेशन पे। देखिए ये हॉस्पिटल जस्ट इसी के सामने है, ये रोल हाउस, तो आ गए हम लोग यहाँ पे, और ये मेन रोड, चलिए चलते हैं अंदर, अंदर तो नहीं बाहर ही रहना शायद, दिखाते हैं वहाँ का ये मेन्यू है, देखिए सब कुछ ही है, पनीर रोल है, आलू टिक्की रोल है, पनीर भुर्जी रोल, पनीर आलू टिक्की रोल, अचारी पनीर रोल, डबल पनीर रोल, सेजवान पनीर, मतलब वेज का भी ऑप्शन बहुत है और नॉन वेज का भी ऑप्शन है यहाँ पे, बैठने का जगह नहीं है। हाँ ये तो है, बैठने का बिल्कुल भी जगह नहीं है, बाहर में आपको खड़े रहना पड़ेगा और जब तक बने वेट करना, और बाहर में ही खाना है, अगर आपका पार्सल करा के ले जाना तो वही सबसे बेटर रहेगा। देखते हैं हम लोग भी क्या करेंगे, थोड़ा ट्राई करेंगे नहीं फिर पैक कर, एक ही तो ऑर्डर किए हैं, अच्छा लगा ठीक है, पीछे कुछ नहीं है, यही है, और ये रास्ता देख सकते हैं, और हम लोग खड़े हैं जस्ट इसी हॉस्पिटल के ये सामने ही है,
दुकान है और यहाँ पे ये मार्ट है अंदर में, देख सकते हैं बच्चे खेल भी रहे हैं, देख सकते हैं। और यहाँ थोड़ा जगह है बैठने का बट गंदा है यार, पर्स रख दिया है मैंने, क्या ही बैठूं, वेट करते हैं बाहर में ही, क्या करेंगे। ये रोल आ चुका है देख सकते हैं, और सबसे अच्छी बात केला का पत्ता में है फोल्ड। बहुत पतला है, अच्छा लग रहा है। केला का पत्ता खोलिए, ओपन करिए उसको, ऊपर वाला, ऊपर वाला, ये सबसे ज़्यादा अच्छा बस। डस्टबिन है, खा लिए हैं, ठीक ही है, उतना खास नहीं है जितना सुने थे यार, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। हाँ, ये लेमन जो होता है ना फ्लेवर, जो गंधोरा जो जिसको बोलते हैं, उसका फ्लेवर भर भर के है चिकन के अंदर। खैर टाइम वेस्ट हो गया, सही बात है, आ गए टाइम वेस्ट हो गया, चलिए कोई बात नहीं है, जगह जगह जाना भी चाहिए। फिलहाल चलिए अब यहाँ से निकलते हैं घर की ओर। तो फिलहाल हम लोग देखिए निकल चुके हैं घर जाने के लिए, और यहाँ पर लोकल ट्रेन जब चली जाए तो फिर जाते हैं। और हाँ, रोल जब गर्म, मतलब फर्स्ट टाइम मैंने दो बाइट लिया ना, मुझे अच्छा लगा, जब जैसे खाते गए ना उतना खांस नहीं लगा, उससे अच्छा तो मुझे एग रोल ही दे देते, वो मुझे पसंद आ जाता है। वैसे एक रोल का दाम था 120, चलिए ठीक था, और बड़ा भी था, प्राइस के अकॉर्डिंग रोल सही था, बट स्वाद में उतना अच्छा नहीं था जितना अच्छा होना चाहिए। इससे अच्छा जो हम लोग के यहाँ 35 या 40 में जो एग रोल मिलता है ना, उसका स्वाद मुझे बहुत पसंद आता है। खैर कोई नहीं, होता है हमेशा, हर वो चीज़ अच्छा नहीं मिलता है, कभी होता रहता है, या हो सकता है और भी रोल खाने आते होंगे उन लोगों को अच्छा लगता होगा, मुझे नहीं अच्छा लगा। तो फिलहाल कोई नहीं, चलिए रास्ता को एंजॉय करते हुए चलते हैं, और आर्यन के लिए कुछ ले लेंगे, उसे फ़ोन किए थे तो उसे चाहिए आलू बिरयानी। तो वैसे वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, तो घर पर जाकर तो एंड करूँगी नहीं, यहीं पर कर दूँगी। तो फिलहाल ओवरऑल काफ़ी अच्छा लगा, सबसे अच्छा लगा फेस का आइटम, बहुत अच्छा लगा। तो चलिए चलते हैं, और सबसे अच्छी बात ना हो सके तो मैं घर जाके दिखाऊंगी। पैकिंग बड़ा अच्छा किए हैं लोग, जो फेस वाले जो थे वो लोग पैकिंग बहुत अच्छा किए, मैं आप लोगों को दिखा दूंगी। तो फिलहाल यहाँ पे देखिए नज़ारे, और ये बात है ना, कोलकाता का बिल्डिंग देख के मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मैं सोचती हूँ ना कि काश मेरे अभी एक इसमें फ्लैट वगैरह हो जाता, जितना देखने में खूबसूरत लगता है उतना खूबसूरत है भी। तो चलिए चलते हैं घर, और घर जाकर आप लोगों को दिखाते हैं पैकिंग। कितने अच्छे से यहाँ पे पैकिंग है, ओ भाई साहब, अच्छे से पैक करके दिया गया है यहाँ पे, टेप वेप लगा के दोनों में, वही फीस जो हम लोगों ने छोड़ा था वो, और एक क्या बोल देते हैं सेजलर, हाँ सेजलर वाला जो था वो, संग में चटनी। पैकिंग बहुत अच्छा लग रहा है भाई, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, देखिए। तुझसे